शहर स्थित आजाद बगीचा में चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मौलाना अबुल कलाम आजाद इनके जयंती मौके पर अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आजाद बगीचा में मौलाना अबुल कलाम आजाद इनके जयंती मौके पर अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय उपस्थित मान्यवरों ने मौलाना अबुल कलाम इनकी प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर अभिवादन किया। इस समय चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रितेश उर्फ रामू तिवारी, महिला कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, कांग्रेस के प्रदेश सचिव विजय नड़े, ओबीसी के शहर अध्यक्ष नरेंद्र बोबड़े, मनपा विरोधी पक्ष नेता डॉक्टर सुरेश महाकुलकर, सेवा दल के जिला अध्यक्ष सूर्यकांत खनके, नगर सेविका सकीना अंसारी, वीना खनके, एनएसयूआई प्रदेश महासचिव कुणाल सहारे, गोपाल अमृतकर, इनके साथ कांग्रेस के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस समय स्कूली विद्यार्थियों में किताब और पेन का वितरण किया गया, जिसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद इनके जीवन कार्य पर प्रकाश डाला गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक व भारत के प्रथम शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम जी की आज जयंती के उपलक्ष्य में चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उनको विनम्र अभिवादन करती है। और आज मौलाना अबुल कलाम जी के जयंती के उपलक्ष्य में चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने बच्चों में किताबें व पेन वाटप कर जो हमारे को मौलाना अबुल कलाम जी ने शिक्षण के बारे में जो बताया था उसका विस्तार करने के लिए हमने बच्चों में किताबें वो वाटप किए।